नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा कि आप कैसे आपके सैमसंग के किसी भी फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो अगर आपको भी सैमसंग के फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, नॉर्मली किसी भी फ़ोन में आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करना हो ना तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, लेकिन सैमसंग के फ़ोन में ऐसा नहीं होता। सैमसंग के फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं आ रहा। अब मेरे पास जो फ़ोन है उसमें तो नहीं आ रहा, आपके पास जो फ़ोन है सैमसंग का उसमें अगर आ रहा है तो आप बता सकते हो कमेंट पे। देखो अब इस फ़ोन में तो नहीं है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो आखिर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें कैसे? तो अगर आपको सैमसंग के फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है ना तो आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना होगा एक्सटर्नल ऐप जिससे कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे, और एक्सटर्नल ऐप भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, उनसे आप कर सकते हो डेफिनेटली स्क्रीन रिकॉर्ड। तो देखो मैं आपको दो ऐप सजेस्ट करता हूँ। देखो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर में सर्च करना है स्क्रीन रिकॉर्डर, तो वहाँ पर आपको दो ऐप दिखाई देंगे। एक होगा कुछ एक्स रिकॉर्डर, ऐसा कुछ नाम है उसका, स्क्रीन रिकॉर्डर एक्स रिकॉर्डर ऐसा कुछ नाम है उसका, उसे डाउनलोड करो, उससे स्क्रीन रिकॉर्ड करो। या फिर जो दूसरा हमारा ऐप है वो है AZ स्क्रीन रिकॉर्डर, इसे भी मैंने पर्सनली बहुत यूज़ किया है, तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए। कोई दूसरा फ़ोन होगा उसकी भी स्क्रीन रिकॉर्ड आप कर सकते हो इन ऐप से। तो बस जाओ इन ऐप को डाउनलोड करो और करो स्क्रीन रिकॉर्डिंग। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।